देखो भैया, कुछ भी बोलो, बंदे में दम तो है। मतलब अकेले बंदे ने 22 देशों के मुस्लिम कंट्री को हिला के रख दिया। मतलब तुम समझ रहे हो, सब डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पर ये बंदा टस से मस नहीं हो रहा है। देखो, लीडर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। अब वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, इसके बारे में तो वीडियो के आगे बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जान लो कि किसी भी देश को ऐसा ही नेता चाहिए होता है। जब आप वोट करते हो तो ये देखा करो कि वो लीडर कैसा है, वो लीडर सच में लीडर बनने लायक है भी कि नहीं, कि बस 500 500 का नोट बांट के किसी तरह से वोट इकट्ठा करके जीत गया है। समझ रहे हो, हमारे देश में कई जगह कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है और वहाँ नेता अपने हाथ खड़े कर देते हैं, यहाँ तक कि दिखाई नहीं देते हैं। और एक तरफ ये है कि पूरा देश संकट में है, चारों तरफ से घिरा हुआ है दुश्मन देशों से, फिर भी ये बंदा अपना संयम नहीं खो रहा है, अपने संकल्प, अपने जो इरादों से हट नहीं रहा है, डर नहीं रहा है। एक निडर नेता की निशानी होती है, लीडर की निशानी होती है कि भाई वो अपने देश के नागरिकों का भला सोचे, उसके बारे में सोचे, बाकी की ना सुने, चाहे उसे कोई डराए, धमकाए, प्रेशर में ना आए, हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करे, शांति से, संयम से, तरीके से। जहाँ ज़रूरत पड़े वॉयलेंस की, वहाँ वॉयलेंस दिखाए, जहाँ ज़रूरत पड़े शांति की, वहाँ शांति दिखाए। समझ रहे हो, अभी क्या है, इसराइल को अभी ज़रूरत है वॉयलेंस की, ज़रूरत थी क्योंकि उस पर अटैक हुआ है। अब नॉर्मल सी बात है ना यार, किसी पे अगर आप फिजूल का अटैक करोगे तो उधर से भी तो बैक आएगा ना कुछ। तो अभी सब उसका दोष दे रहे हैं कि भाई इसराइल ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो तो नॉर्मल लाइफ जी रहा था ना वो देश, किसी को कुछ नहीं कह रहा था। हमास ने हमला किया ना, इतने लोगों की जान ले ली, तो भाई अब क्या उम्मीद कर रहे हो, उधर से कोई अटैक नहीं होगा, उधर से कोई रिवेंज नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हो ना, ताली दोनों हाथ से बजती है भाई।